दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल का लगता है नया ठिकाना अब तिहाड़ी होगा। उनकी पत्नी ने अभी जुम्मा जुम्मा कुछ ही दिन पहले फरमाया था कि वो भादों में जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुए थे और कृष्ण जी से जोड़ दिया था। अरे कृष्ण जी 16 कलाओं के वो थे ज्ञाता, तो वो अपने हस्बैंड को भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सबसे बड़ा ज्ञानी समझती हैं। परंतु जो हालात हैं उससे साफ हैं कि वो अभी जेल में ही रहेंगे। और लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि उनके उसमें कहीं आधार कार्ड में परमानेंट एड्रेस ही ना हो जाए। खैर ऐसा ना हो, आज भी कोर्ट से उनको फटकार लगी हुई है। और देखिए ANI ने अपने एक्स मीडिया सोशल मीडिया अकाउंट में बोला है, दिल्ली आबकारिणी CBI मामला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, 8 अगस्त तक बढ़ गई है। और आज का जो दिन रहा है वो के कविता के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए, सभी के लिए मनहूस दिन रहा है। लगता है ये सावन और भादो दोनों मनहूस रहेंगे, दोनों मनहूस रहेंगे। केजरीवाल का नया पता क्या तिहाड़ जेल हो जाएगी? ऐसा आप पार्टी के लोग कह रहे हैं, कई आप पार्टी के वरिष्ठ नेता मान भी रहे हैं। वो तिहाड़ में ही रहें और चीफ मिनिस्टर कोई दूसरा बन जाए आप पार्टी का। अब देखिए, आप देख रहे होंगे तिहाड़ जेल, ये देखिए और ये देखिए। जब भी आदमी कोई गुनाह करता है तो कहाँ पहुँचता है? जेल। और जेल में जो बड़ा गुनाह होता तो कहाँ पहुँचता? सबसे बड़ा गुनाह का सबसे बड़ी कौन सी जेल है? तिहाड़। केजरीवाल जी कहाँ हैं? तिहाड़ में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट सब जगह दौड़ रहे हैं, एक से एक बड़े लोग। मगर उनका और मनीष सिसोदिया दोनों का छूटने के आसार बिल्कुल भी नहीं लगते। ये देखिए केजरीवाल जी, ये देखिए केजरीवाल जी जेल के अंदर। ये तिहाड़ जेल है और तिहाड़ जेल में पूरा इनका किचन कैबिनेट पूरा तिहाड़ जेल में पूरा ग्रो, जिसे ग्रो कहते हैं। इधर देखिए, ये देखिए। अंशुमन सिंह ने अपने ट्वीट पे बोला है, अंशुमन सिंह ने बोला है, सर की ठंड जो है, सर मतलब आप समझ गए कौन, महाराजा, दिल्ली के महाराजा की ठंड जो है तिहाड़ में ही कटनी है। वही महारानी क्या बोल रही है, शीश महल की महारानी मलिका ए दिल्ली क्या फरमा रही है? कह रही जन्माष्टमी के दिन वो प्रकट हुए थे, आएंगे, जेल के ताले टूटेंगे। और वहीं आपके लोग क्या कह रहे हैं, लगता है केजरीवाल अभी नहीं छूटेंगे, मतलब इस साल शायद नहीं छूटेंगे, ये पोजीशन। अब देखिए दूसरे क्या बोल रहे हैं, देनी पटेल जी, लगता है जन्माष्टमी इस बार जेल में ही मनानी पड़ेगी CM साहिबा को। आगे जो उन्होंने लिखा है वो पढ़ नहीं सकते हम। उन्होंने बोला है देनी पटेल ने कि लगता है जन्माष्टमी इस बार जेल में ही मनानी पड़ेगी। और जब भगवान कृष्ण पैदा हुए तो अपने आप जमुना जी नीचे उतर गई थी, हैं, सब जगह शांति हो गई थी, वो वहाँ चले गए थे शिफ्ट होके, कंस का वध हो गया था। मगर आपको बता, वो कृष्ण असली थे द्वापर के, ये कलयुग का नया कृष्ण किसने बता दिया? महारानी ने 60 करोड़ के उसमें निर्माण करा करके भवन में रह रही हैं, खुद मुख्यमंत्री पद के लिए चाहे नहीं, ये भी नहीं चाहती हैं कि वो तिहाड़ से आए। वो तिहाड़ में रहेंगे तो ये बन जाएंगे, जैसे लालू जो जेल में चले गए
लालू के जेल जाने से राबड़ी देवी बन गई। हिंदुस्तान में दो ही लोग चाह रहे थे कि उनके पति जेल में रहें। लालू का यही रहा, लालू का ये था कि लालू चले गए तो मुख्यमंत्री, अगर लालू का उसमें आ जाता प्रधानमंत्री में नाम, तो उनकी जेल की अभी अवधि हो सकता राबड़ी बन जाती। ऐसे इनका है। अब देखिए आज आज कितना मनहूस दिन रहा इन लोगों का। सिसोदिया जी का भी आज के दिन बढ़ गई, जेल में रहेंगे। के कविता जी सत्यानाश कर दिया, जहाँ जहाँ पैर पड़े केजरीवाल के सत्यानाश कर दिया, घर तबाह हो गए, मनहूस हो गए, चमन छिन गया। यह हकीकत है, चमन छिन गया। कोई जाके पूछे सिसोदिया की पत्नी के क्या हाल है, बेचारी कैसे रह रही है। केजरीवाल के पैर पड़े नहीं कि सब जगह सत्यानाश, अपना शीश महल बना गए। अब देखिए क्या हुआ आज, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। राउज एवन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े करप्शन के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है केजरीवाल जी। इसके अलावा अदालत ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। कहना नहीं चाहिए कि ये स्थित है कि ऐसा कोई सगा नहीं, मतलब कहना नहीं चाहिए केजरीवाल जी ऐसा कोई सगा नहीं, सारे सगे लोग सब बेचारे जेल में, सबकी जल जैसे भस्मासुर थे बिल्कुल वही पोजीशन आज के युग के भस्मासुर अभी भी हैं जिंदा, अभी भी जिंदा। के कविता जी को व्यापारिक पार्टनर बनाया गया, बाकायदे उसके सबूत मिले, 100 करोड़ रुपए की डील हुई। के कविता जी का भी एक राजनीतिक करियर गया, उनके पिताजी से सल्तनत छिन गई आप समझ लीजिए, और उठा करके वो तख्ताश से फेंक दिए गए। आज उनकी पार्टी टुकड़ों टुकड़ों में दूसरी जगह चला जा रहा, कहना चाहिए तबाही आ गई। दौड़े इलाही जिसे कहते हैं, दौड़े तबाही आ गई, दौड़े तबाही का इस समय वक्त है। और वजह क्या, जहाँ जहाँ केजरीवाल की। अब देखिए मनीष सिसोदिया और बीआरएस के नेता के कविता की न्यायिक हिरासत में 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई, ये भी जेल में रहेंगे। मतलब केजरीवाल का था हम तो डूबे सनम तुझे भी ले डूबे, अब के कविता जी को क्या लग रहा होगा वास्तव में, केजरीवाल जी हमको भी ले डूबे। जानकारी के लिए बता दें कि आज 25 जुलाई अरविंद केजरीवाल की हिरासत खत्म हो रही थी, बड़ी उम्मीदें थी मगर शीश महल इंतजार नहीं कर रहा था कि वो जितना देर लगेगा उतना शायद हम सीएम बन जाएं। मैडम इंतजार नहीं कर रही थी। सीबीआई ने 25 वर्षीय आप नेता को 26 जून को गिरफ्तार किया था, उनकी पेशी आज तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। अब कायदे से मैडम सुनीता केजरीवाल जी को तुरंत फोटो हटा लेनी चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति, और भगत सिंह के बगल में जो केजरीवाल जी की फ़ोटो लगे थे हटा लें, तुरंत हटा लें, क्योंकि केजरीवाल रिश्वत के मामले में तिहाड़ जेल में, वो लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो हटा लेनी चाहिए। अब चूँकि इनको फिर लगातार अगर बेल नहीं मिलना तो मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े अपराध के सृजन करता हैं। देखिए सिसोदिया जी इनको भी ले डूबे ये केजरीवाल जी, और के कविता जी को भी, खुद जेल में, तीनों जेल में। अब देखिए इनके एक और बेहद खास थे किचन कैबिनेट के, सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक होने का आरोप लगाया। किसको, मतलब किंग पिन माना है जो सबसे बड़ा जो व्यक्ति है पूरे रिश्वत कांड में, केजरीवाल। एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि आपके पूर्व मीडिया प्रभारी और केजरीवाल के करीबी सहयोगी विजय नायर कई शराब उत्पादकों और व्यापारियों के साथ संपर्क में थे।
इसके अलावा सीबीआई ने आरोप लगाया था कि जून 2021 से जनवरी 2022 तक हवाला चैनलों के जरिए गोवा राज्य में 44.45 करोड़ ट्रांसफ़र किए गए, 44.45 करोड़। बाकायदे सीबीआई ने सब प्रूफ दिया और आपके विधानसभा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किए गए, ये आपको मिले 100 करोड़ की रिश्वत में से एक था, जैसा कि सीबीआई की पिछली चार्जशीट में भी बताया गया था। ये हैं विजय नायर जी। आज देखिए मनीष सिसोदिया की भी हिरासत जो है 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई, इनकी भी बढ़ा दी गई, केजरीवाल की 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई और के कविता के बढ़ा दी गई। अब देखिए जो राउज एवेन्यू कोर्ट में आज जो 8 अगस्त तक बढ़ी है, अभी इनके ऊपर जो चार्जशीट लगी है उसका जवाब भी इन लोगों को देना है, तो ये बहुत साफ है कि केजरीवाल के गुनाहों की सज़ा उनको मिल के रहेगी। अब इतने एविडेंस हो गए, पक्के सबूत हो गए, तमाम लोगों ने कहा कि इन्होंने रिश्वत ली, रिश्वत का पैसा कहाँ रहा उसका, इनकी वार्ता के चैट सब कुछ प्रूफ हो गए, अब कोई भी रोक नहीं सकता है। ये सलाखों के पीछे ही होंगे और सलाखों के पीछे हैं रहेंगे, जैसा गुनाह आदमी करे, जैसा कर्म करेगा वैसे फल भोगेगा, यही भोगना पड़ता है, यहीं पे सब कुछ यही है, स्वर्ग और नरक यही है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।